धन्वंतरी जयंती इस वर्ष भी प्रदेश भर में आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाई गई। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस का मुख्य विषय कोविड-19 के लिए आयुर्वेद रखा गया, ताकि कोरोना महामारी को रोकने में प्राचीन भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य पर हमीरपुर के जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आगाज धन्वंतरी पूजन एवं हवन के साथ किया गया। इस मौके पर ADC हमीरपुर जितेंद्र सांसदा ने चिकित्सालय में उपचाराधीन रोगियों को फल और मास्क वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान आयोजित संगोष्ठी में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर सरिता राणा सहित ने अन्य चिकित्सा अधिकारियों ने कोरोना संबंधी विषय पर लोगों को जागरूक भी किया। ADC हमीरपुर जितेंद्र सांसदा ने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने में प्राचीन भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भी अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है, और इस साल देश भर में कोविड-19 से लड़ाई में आयुर्वेद विभाग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा कोरोना वॉरियर्स के लिए काढ़ा तैयार कर निशुल्क वितरित किया, ताकि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो सके। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, आज नेशनल आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाता है। ये भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा इस दिन पे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का भगवान भी माना जाता है, और जब सागर मंथन हुआ था तो उन्होंने अमृत का कलश निकाला था वहाँ से। तो ये सिंबलाइज करते हैं कि किस तरीके से जो जितनी भी समाज में बुराइयाँ अच्छाइयाँ, उनमें से अगर हम कोशिश करें तो अच्छाई हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी उपलक्ष्य पर आज यहाँ पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, और सुबह हमने थोड़ा सा हवन के साथ इस दिन का शुभारंभ किया। उसके बाद हम यहाँ पर वार्ड्स में गए, मेल वार्ड्स में, फीमेल वार्ड्स में जो यहाँ पर पेशेंट्स हैं जिनका पंचकर्म का ट्रीटमेंट चल रहा है, और अन्य पेशेंट्स जो हैं उनको फल बांटे हमने यहाँ पर, और उनको मास्क वितरण किया। और जो आज का इस बार का, जैसे कि मुझे बताया गया कि थीम इस बार जो है वो कोविड के ऊपर रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 जो है, कितना उसका प्रकोप है आज पूरे विश्व में। तो बहुत ही एप्ट है, बहुत ही सही थीम इस बार रखा गया है। तो और साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक विभाग है, हालांकि उतना इनको उतना ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं मिलता है, लेकिन जितना एलोपैथी का रोल कोविड को फाइट करने में रहा है, उतना ही आयुर्वेदिक विभाग का रहा है। सभी डॉक्टर्स का, स्टाफ का, इनका जो है भरपूर हमें सहयोग मिला है जिला प्रशासन को भी इस महामारी से निपटने के लिए। तो मैं सभी हमारे आयुर्वेदिक विभाग के डॉक्टर्स एवं जो अन्य कर्मचारी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू।